तूफान आया, उसमें मेरे खेत में मक्के, गेहूँ और चना सब चीज़ को नुकसान किया है और आम के फूल को भी बहुत बुरी तरह से नष्ट किया है। आंवले के बगीचे में भी उसको भी पूरा फूल नष्ट किया है। तकरीबन 15-16 हज़ार का नुकसान खाली मक्के और गेहूँ में हुआ है। घोरा डोंगरी विकास खंड के अंतर्गत ग्राम गोपालपुर, हीरापल्ला, शोभापुर एवं कचलोरा के कुछ क्षेत्र में ओलावृष्टि इतना जोर से हुए जिससे किसी का घर नष्ट हुआ, किसी के फसलों पर बहुत ही क्षति हुई है। एक कुंटल गेहूं बोया था जिसमें से 50 किलो नुकसान हो गया। कल मुझे इसकी मुआवजा चाहिए। सरकार को देखें कि कितना मुआवजा दे पाती है या नहीं। बहुत सारा नुकसान हो गया। आप सिर्फ मक्के के खेती में कितने लागत खर्च कर चुके थे? मक्के की खेती में लगभग 8-9 हज़ार के लगभग खर्च किया था मैंने। इसमें आपको ऐसा लगता है कि कितना परसेंट आपका क्षति पहुंचा इस फसल पे? मक्के में लगभग 60% के आसपास क्षति पहुंचा है। और गेहूं पे? गेहूं पे भी लगभग 50-60% क्षति पहुंचा है। और ये फूलों पर, अपने आम के और आंवले के फूलों पर भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा ही नष्ट हुआ है। इतनी बारिश और इतनी लागत, मिनिमम नहीं तो कम से कम 70-80 हज़ार का नुकसान हो गया साहब हमारा। और पूरे फसल इस तरह से नुकसान हुई। और इसके अलावा हमारे पास कोई व्यवसाय भी नहीं है सर, हम लोग तो खेती बाड़ी करते हैं। आपने लगभग कितने गेहूं बोया था? हमारे यहाँ मिनिमम 8-10 कुंटल गेहूं लगे थे सर। अब क्या चाहते हो? शासन से जो खर्च हुआ है उसका अगर कुछ मुआवजा मिले तो बहुत ही बेहतर है। मैं इस हानि को मुआवजा मांगने के लिए हमारे सतर्क अधिकारी घोराडोंगरी तहसील के पटवारी क्रमांक इस नंबर पर फ़ोन कर हमारी मदद करें। हमारे जो सर्किट में ओलावृष्टि हुआ है उसका सर्वे हो और हमारे समुदाय के लोगों को मुआवजा मिले। मैं मोहनलाल, मध्य प्रदेश से, इंडिया हनर्ट के लिए।